नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र रोबिन सिंह एक बार फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए और बल्कि उनके लिए भी है जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इन बैंकों में। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पहले ही अपनी क्लियर कर दी थी बात कि हमें 4 बैंकों में डिसइन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अब जो पहले जो शॉर्टलिस्ट करे गए हैं वो 2 बैंकों, आज की न्यूज़ की खबर के अनुसार 2 बैंक जो शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं, जो जिनका मतलब इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी गवर्नमेंट, जिससे क्या होगा वो प्राइवेटकरण की तरफ बढ़ जाएंगे। और उन एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी नुकसानदायक खबर है ये, जो एम्प्लॉयज़ में काम रह कर रहे हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करके वो प्री एग्ज़ाम मेन्स एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो इन बैंकों में आने वाले टाइम में सिलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए 2 बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में फिर या इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसमें प्राइवेटकरण ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे नुकसान होगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपना आने वाले टाइम में अपना प्रेफरेंस ऐसे भरिए जो ये 2 बैंक नीचे भरना सबसे।